कार्तिक पूर्णिमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हमारे धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है। इस दिन किए गए तीर्थ स्नान, दान, व्रत, उपवास का अनंत गुणा फल कहा गया है। शिव, विष्णु, महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ देव दीपावली, त्रिपुरोत्सव आदि भी इस दिन किए जाते हैं। इस वर्ष 2021 में कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ रही है, कब इसका व्रत होगा, कब स्नान दान करना है तथा इसका महात्म्य क्या है, इन सभी बातों की जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु, कुंडली आदि की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट कर दें। आइए कार्तिक मास पूर्णिमा के संबंध में जानने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक पूर्णिमा की भांति जहां स्नान दान और व्रत की महिमा बतलाई गई है, उसी के साथ साथ इस दिन भगवती लक्ष्मी, भगवान नारायण तथा भगवान भोलेनाथ की भी उपासना का विधान बतलाया गया है। पूर्णिमा से एक दिन पूर्व ही वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ सृष्टि के भरण पोषण का भार पुनः भगवान नारायण को समर्पित करते हैं। इस दिन शिव और विष्णु दोनों की पूजा की जाती है तथा शिव जी को तुलसी भी चढ़ाई जाती है। इस व्रत की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ रही है। कार्तिक शुक्ल पक्ष हेमंत ऋतु दिनांक 18 नवंबर 2021 को व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, सायंकाल चंद्रार्घ एवं चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें 18 नवंबर को व्रत करना उचित होगा, क्योंकि इस दिन सुबह 11:33 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 19 को दोपहर 1:18 तक रहेगी। तो व्रत करने वाले 18 को ही व्रत करेंगे। 18 नवंबर को ही महाविष्णु पूजा, श्री काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस भी इसी दिन है। इसी दिन रास पूर्णिमा, रास यात्रा, त्रिपुरोत्सव तथा काशी में देव दीपावली महोत्सव भी मनाया जाएगा। नर्मदेश्वर भगवान को इसी दिन तुलसी अर्पण, सुबह मणिकर्णिका स्नान, पुष्कर में दीपदान, सायंकाल क्षीर सागर दान आदि करना चाहिए। इस दिन दीपदान का अत्यंत महत्व बतलाया गया है। आकाशदीप, नदी आदि तटों पर दीपदान, घर में दीपदान करना चाहिए। जो लोग पूर्णिमा का स्नान करते हैं, दान करते हैं, उन्हें 19 नवंबर को यह कार्य करना चाहिए। 19 नवंबर को ही कार्तिक महीने के व्रत का समापन भी होगा। जो लोग पूरे महीने व्रत करते हैं, वह इस दिन पारण करेंगे। कार्तिक महीने के व्रत का उद्यापन वैकुंठ चतुर्दशी को करना चाहिए। यदि आप कार्तिक माह के उद्यापन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। जो लोग 18 तारीख को व्रत करेंगे, वह 19 को दोपहर 1:30 के बाद पारण करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी, शिव की पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए तथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपदान आदि करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे लक्ष्मी नारायण की पूजा, शिव पूजा, पीपल वृक्ष में दुग्ध दान, दीपदान तथा रक्षा सूत्र का बेष्टन एवं परिक्रमा करने से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि कुंवारी कन्याएं इस कार्य को करें तो उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान बतलाया गया है। 20 नवंबर से अगहन अर्थात मार्गशीर्ष महीने का प्रारंभ हो जाएगा। मार्गशीर्ष मास में विशेषकर दो पूजा का अत्यंत महत्व बतलाया गया है। पहला अगहन गुरुवार महालक्ष्मी पूजा तथा दूसरा 17 दिवसीय अन्नपूर्णा व्रत। ये दोनों व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपको आई बटन में दोनों व्रत की वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तथा ज़रूरतमंदों तक इसे शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके यह अवश्य बतलाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह शास्त्रीय एवं प्रामाणिक वीडियोज़ देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।